गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्रावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ, वो पांच गलत धारणाएं जो IVF को लेकर के समाज में है, लोगों में है, उसे मिटाने की एक छोटी सी कोशिश है। पहली गलत धारणा कि IVF का इलाज हमारा सबसे लास्ट ऑप्शन है, आखिरी इलाज है। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों लोगों को लगता है कि IVF का इलाज बस अब आखिरी इलाज है, इसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं, या इसके पहले हम और ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। जब भी एक निसंतान दंपत्ति किसी रूटीन गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसके बाद कई बार डॉक्टर्स पेशेंट्स यही प्रयास करते हैं कि हम छोटे मोटे इलाज से सफल हो जाए। कई बार उन्हें पता भी होता है कि नहीं, प्रॉब्लम बड़ी है, जैसे कि हमारी नले बंद है, या हमारे हस्बैंड के काउंट में दिक्कत है, या हमारे अंडे सही से काम नहीं करते, स्टिल वो IVF के नाम पे उसको टालते जाते। They keep on ignoring, वो आगे postpone करते जाते हैं कि IVF तो लास्ट इलाज है, वहां हम अभी से कैसे सोच सकते हैं, अभी तो शादी को 3 साल ही हुए, 5 साल ही हुए। और इसलिए इस धारणा के साथ वो अपना महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय खराब करते जाते हैं। तो IVF सबसे लास्ट इलाज नहीं है, वो सबसे बेस्ट इलाज है निसंतान दंपतियों। अब आते हैं दूसरी गलत धारणा पे। IVF करवा लिया तो हमेशा इंजेक्शंस लगेंगे और हमेशा बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा, आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, नौकरी छोड़नी पड़ेगी और आप कोई भी घर का काम भी नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। IVF के इलाज में भ्रूण डलने के बाद 2 दिन का बेड रेस्ट सफिशिएंट होता है, उसके बाद आप अपने काम शुरू कर सकते हो, आप अपने काम पे जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हो, जो भी आपका काम है आप उसको कर सकते हो, बस हैवी वर्क और खूब सारी ट्रैवलिंग अवॉइड करनी होती है। इंजेक्शंस का जो रोल है पहले कुछ दिनों के लिए रहता है, इम्पॉर्टेंट दिनों के लिए जब तक बच्चे की धड़कन नहीं आती है, उसके बाद ये इंजेक्शंस कम होने लग जाते हैं और 3rd-4th महीने के बाद तो इंजेक्शंस बंद हो जाते हैं। तो IVF एक भयानक इलाज नहीं है, ना ही एक बीमार इलाज है जिसमें इंसान बिस्तर पर पड़ जाता है, वो एक आपकी नॉर्मल लाइफ का एक प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है आपकी नॉर्मल लाइफ जीने में भी, प्लस आपकी निसंतानता की प्रॉब्लम को दूर करने में। अब आते हैं तीसरे धारणा पे जो कई सोसाइटी में है, पता नहीं IVF में किसका अंडा डाल देंगे, किसका शुक्राणु डाल देंगे। ये सबसे ज्यादा गलत धारणा है, इस वजह से कई लोग सोचते हैं, मन बनाते हैं कि 2 कदम पीछे हो जाते हैं कि हम IVF नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको जरूरत है कि एग बाहर से लेना है या स्पर्म बाहर से लेना है तो आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपसे डिस्कस करेगा, आपको बताएगा, और हाँ, आपकी अनुमति के बिना कोई डॉक्टर कोई सेंटर ऐसा कर ही नहीं सकता। आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा करना जरूरी है, तभी तो वो आपकी इस प्रॉब्लम निसंतानता की प्रॉब्लम से आपको निवारण करने में हेल्प करेंगे। अब आती है चौथी गलत धारणा कि IVF में हमें बच्चों का सेक्स पता चल जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक भ्रूण होते हैं और उनका सेक्स जानने की जो सुविधा है उसके लिए कानून ने हमें बाध्य किया हुआ है, हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे बारे में ना सोचना और बोलना दोनों गलत है। हम परेशान हैं निसंतानता से, हमें अगर बच्चे का सुख मिलेगा, भले वो लड़का हो या लड़की हो, मुझे लगता है भगवान की इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती। ये चौथी गलत धारणा है। पांचवी धारणा, IVF में हमेशा ट्विंस होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं कि हमेशा जुड़वा बच्चे हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जुड़वा बच्चे हो तो दोनों जुड़े हुए होंगे। दोनों अलग भ्रूण होते हैं, दोनों अलग थैनिंग में पनपते हैं और दोनों की अलग तरीके से ग्रोथ होती है। IVF में ट्विंस होने के चांसेस मात्र 10-20% होते हैं, सिंगल प्रेगनेंसी के चांसेस उससे कई गुना ज्यादा होते हैं। और कई बार आजकल तो कई जगहों पे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें तो ट्विंस के चांसेस बहुत कम है, इसलिए ट्विंस IVF में बहुत ज्यादा नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, अगर ट्विंस हो भी गए तो भी सक्सेसफुल डिलीवरी तक वो पहुंचते हैं, घबराने की जरूरत नहीं।
तो ये 5 गलत धारणाएं हैं जिसके बारे में मैंने कोशिश की है थोड़ा बहुत शेयर करने की, आपसे बताने की। ये डेली के क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने पेशेंट्स के फेस करते हैं। तो अगर मेरे पेशेंट्स इसको फेस करें तो आई थिंक काफी सोसाइटी में इन लोगों को डाउट्स हैं, इसलिए कोशिश कर रही हूँ इसको क्लियर करने की, ताकि हम IVF को एक्सेप्ट करें, अपनी लाइफ अपनी ट्रीटमेंट का एक जरूरी हिस्सा माने और निसंतानता की प्रॉब्लम से जल्दी से छुटकारा पाए। नमस्कार दोस्तों।